क्या बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? बाबा के लिए। हाँ अच्छा, मजे का बनाए। हाँ ये लो खा के दिखाओ। यम्मी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मजे में होंगे और गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं वायरल 7 स्पून केक। तो अब्दुल समद, क्या आपको पता है वायरल 7 स्पून केक के बारे में? उसमें हर चीज 7 7 स्पून डलेगी, ठीक है? तो स्टार्ट करें। इफ्रा हम क्या बना रहे हैं? केक बना रहे हैं। किसके लिए? इफ्रा के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? बाबा के लिए। हाँ अच्छा, चलें ठीक है जी। चलें अब्दुल समद, आर यू रेडी? चलें इफ्रा आप बना रही हैं, बनाएं। चलें जी, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी हर चीज रेडी रखी हुई है, तो दिखाते हैं आपको। ये जो है पोर्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ से हमारी हर चीज जो है वो इसकी टॉपिंग है। ये सारी टॉपिंग में चीजें यूज होंगी, ठीक है अब्दुल समद? और जो ये है ना हमारा मेन हिस्सा है, जो हमारे केक में हर चीज यूज होगी। तो चलें जी, सबसे पहले अब्दुल समद आप उठा लें मैदा। मैदा और आप इसको वो बेटा ये वाला नहीं, वो वाला चमचा लें, ये वाला चमचा उठाएं और मैदा उठाएं। उसमें 7 स्पून काउंट करके अपने बाउल में डाल दें। 7 स्पून मैदे के हो गए, ठीक है अब्दुल समद? ठीक है, अब आप इसके दही के जो है 7 स्पून, ये हमने टोटल मेजर करके रखे हुए हैं। कर्ड जो है, दही जो है हमारा, इसको मैंने मेजर करके 7 स्पून रखा। अब्दुल समद आप ये पूरा इसमें डाल दो। जी वेरी गुड। और आप इसको पोछें पूरा चम्मच से, साफ करें। चलें जी, 7 स्पून हमारे दही के हो गए। अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट पूरे सब। ये हमारे पास है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो चलें अब्दुल समद ये डाल देते हैं। ये हमने पूरा डाल दिया है, ठीक है। अब आप इसमें अब्दुल समद ऑयल 7 स्पून करके डालते हैं। अब्दुल समद काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्पून हमारे ऑयल हो गया, ओके। अब हम इसके अंदर, ये है हमारा 3 टेबल स्पून मिल्क। तो अब्दुल समद आप ये पूरा इसमें पोर आउट कर दें। वेरी गुड, ये मैंने मेजर करके रखा हुआ है, तो ये हमारा दूध चला गया, ठीक है। अब हम इसमें 7 टेबल स्पून ही शुगर ऐड करेंगे। तो अब्दुल समद आप इसमें शुगर ऐड कर दें, ये लीजिए चम्मच ये वाला, ठीक है। अब आप इसमें मेजर करके 7 टेबल स्पून शुगर के ऐड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 वेरी नाइस, गुड जॉब। चले जी, तो अब लास्ट में हमारा ये जो केक का बैटर है, इसके अंदर 3 टेबल स्पून कोको पाउडर भी जाएगा, ठीक है। तो हम ये ऐड करेंगे। लेवल्ड बिल्कुल ठीक है, शाबाश। 2 एंड द लास्ट 3, ठीक है, ओके सर, डन हो गया बस। चले जी, तो अब बारी है वनीला एसेंस की। लास्ट में बिल्कुल अब इसको ऐड करते हैं अब्दुल समद आप। और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा केक का बैटर प्रॉपर रेडी हो जाए, ठीक है। तो अब ये विस्कर की मदद से अब्दुल समद जो है वो इसको मिक्स करेंगे, और ये जो चम्मच है हम इसको साफ कर लेते हैं। तो चले अब्दुल समद आप रेडी है मिक्स करने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस।
अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी, ये देखिए हमारा बड़ा अच्छा सा जो है वो मिक्स मिक्स हो गया है और अब हम इसको केक के बैटर को मोल्ड में डालेंगे और उसका हम केक बेक करेंगे। ठीक है, पकड़ा पकड़ा। तो दोस्तों, व्लॉग बनाते बनाते बीच में जो है हमारे यहाँ नेबर्स में से बेल हुई और उनके यहाँ से आया है ये मजेदार सा मैंगो केक। और ये कोई बड़ा ही यूनिक सा फ्लेवर लग रहा है मैंगो का। कैसा है अब्दुल समद? यमी? ओके। तो चले जी, तो अब हमारा एक प्रोसेस जो है, ये हमारा केक जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको साइड में रखेंगे और इसको हम करेंगे ग्रीस अच्छी तरह से, उसमें लगाएंगे हम पेपर और फिर हम इसको करेंगे बेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं ग्रीस। इसको अच्छी तरह से आप ग्रीस कर दें सही से। ये है हमारे पास पेपर, तो ये आप जो समझ ऐसे करके लगा दें इसके अंदर। ठीक है, नो। ठीक है, ये हमारा डस्ट हो चुका है, मतलब हमने इसको पेपर यूज किया है। ठीक है, और आप चाहें तो मैदा और घी भी डस्ट कर सकते हैं और बड़ा जबरदस्त बनता है। तो आप जो समझ आप इसमें ये पूरा डाल दें। चले मम्मा, ये डिश पकड़िए, आप डालें। चलें जी, तो ये केक बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए और अब हम इसको ओवन में रखते हैं। और ये हमारा चूल्हे पे जो हमने छोटा सा एक ओवन बनाया है, हम अब इसमें इसको रख देंगे। चलें भाई अब्दुल समद, एहतियात से बिल्कुल आपने इसके अंदर रखना है, ठीक है, वरना मम्मा रख दें। ये देखें, मैंने इसके अंदर स्टैंड रखा हुआ है, ये गर्म है, आप अब्दुल समद छोड़ दें। और ये मैंने इसके अंदर बेक होने के लिए रख दिया है। ठीक है, नन्ना मुन्ना सा हमारा केक जो है वो अभी तैयार हो जाएगा 15-20 मिनट में। और अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए एक सॉस रेडी करेंगे। ठीक है, अब तो हमारा चॉकलेट सॉस होगी वो, और अब हम उसको रेडी करते हैं। तो चलते हैं इसको रेडी करने के लिए। चलें जी, तो अब रेडी करते हैं अपना चॉकलेट सॉस जो हम अपने केक पे ड्रिजल करेंगे। सबसे पहले आप अब्दुल समद रेडी कर लीजिए, इसके अंदर आप अपने ये दूध ऐड करें सबसे पहले पूरा। ये हमारा एक कप दूध इसके अंदर जाएगा सॉस के लिए। ठीक है, चलें जी, ये आप आराम से इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह, ओके। अब आप इसके अंदर ये हमने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है जो के है 1 टेबल स्पून। जी, ये इसके अंदर डाल दें। डालें आप, शाबाश, पूरा डाल दें ठीक से। चलिए जी, हमने चॉकलेट वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब डालें हम दूसरा इसमें शुगर। ये जी शुगर, ये चीनी चली गई, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्स। और अब जो मतलब इसमें आप ऐड करते हैं कोको पाउडर, ये चॉकलेट पाउडर। जी, ये है हमारे 3 टेबल स्पून। ठीक है, तो हम इसको नाप के अब जो मतलब आप 3 टेबल स्पून ऐड कर दो। 3 टेबल स्पून, 1, 2, 3, ऐसा करो। अब जो मतलब आपने बहुत हाफ हाफ डाला है, पूरा आप ऐड करो, पूरा ऐड कर दो, क्योंकि मैंने ये नाप के ही रखा था। चलिए जी, ये भी हमारा ये इसके अंदर डल गया है। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे। अब समझ फ्राई पैन जो है आपने यहाँ रखना है, अब हमारा ये हमारा चूल्हा जो है वो पहले से जल रहा है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जबरदस्त थिक सा सॉस हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कूल डाउन करके इसके अंदर हम 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और मजेदार हो जाएगा। तो करते हैं इसी पॉइंट पे चूल्हे को बंद। तो चलें जी, ये है हमारे पास अभी इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर ऐड करना है ये पूरा का पूरा बटर। ये 1 टेबल स्पून बटर है। हमारा देखने इसमें बटर ऐड हो गया है।
ग्लॉसी फिनिश के लिए हमने इसमें बटर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट सॉस। आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास चॉकलेट सिरप रखा हुआ है, आप न्यूटेला भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें चॉकलेट सॉस डालेंगे। अभी एक प्रॉपर मजेदार सा चॉकलेट सॉस इसलिए डाल रहा है ताकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर एनहांस हो सके, वरना ये खुद से ही एक चॉकलेट सॉस है ऑब्वियसली। तो आप लोग को अगर नीड है तो डाल सकते हैं न्यूटेला वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट सॉस इसमें ड्रिजल कर दिया, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये एक मजेदार सा डार्क चॉकलेट सॉस हमारा रेडी हो चुका है। केक को चेक करते हैं कि केक हमारा बन गया है, रेडी हो गया है या नहीं। तो चले आए केक को चेक। चले जी अब्दुल समद, कैसा बना हमारा चॉकलेट सॉस? अच्छा, मजे का बना है। हाँ, ये लो खा के दिखाओ। चलो जी, कैसा बना है? अच्छा, ओके। चले जी, तो केक को चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हो चुका है या नहीं। इसको खोलते हैं ढक्कन और जबरदस्त किस्म का जो हमारा केक बेक हो चुका है। तो समझ में आप, अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा केक प्रॉपर बेक हुआ है या नहीं। तो अब हम ये सीधी तीली, अब तो समझ तीली जो है ना, आप ये छोटी सी मैच स्टिक जो है इसके अंदर डालें और हम अगर ये साफ आई तो इट मीन्स केक हमारा डन है। निकालें, वेरी गुड, अरे वाकई जबरदस्त केक हमारा डन है। तो चलें जी, इसको हम निकालते हैं बाहर। चले जी, तो केक को निकालते हैं। जबरदस्त जो है वो केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, इसको सजाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं मजेदार सा। और इसको हम करते हैं साइड पे। चलिए जी, तब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और ये कितना जबरदस्त बेक हुआ, आप देख सकते हैं अंदर से कितना जबरदस्त सा लेयर है ये। अब हम इसको पेपर पहले अलग कर दें इससे। चलिए जी, तो हम केक को जो है वो डिश आउट कर रहे हैं और इसका हम पेपर रिमूव कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। ये चोर पकड़ा गया है हमारा केक खाते हुए। आराम से टूट रहा है ये, हल्का हल्का सा जो है वो टूट रहा है। हल्के हल्के रिमूव करो। चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है, तैयार है, बहुत ही मजेदार सा। आप इसके ऊपर जो है गार्निशिंग अपनी मर्जी से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जरूर बनाइए ये वायरल 7 टेबलस्पून केक और इंतहा का मजेदार यम। चले जी, तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब अब्दुल समद जो है वो इसको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है, ठीक है अब्दुल समद। चले जी, रेडी कर हम लोग देखते हैं अब हमारा केक किस तरह का बना है। अब हम इसके पीस करते हैं और अब्दुल समद को टेस्ट करवाते हैं। चलें जी, तो अब हम ये इतना इतना सा पोर्शन जो है चलें जी, अब समझ, अब आप मुझे इसको टेस्ट करके बताएं कि हमारा केक किस तरह से बना है। इज इट वर्थ टू मेक और नॉट? यम्मी। तो हमारा केक पास हो चुका है, वायरल 7 स्पून केक, बहुत मजे का बना है। और जो है आप लोग जरूर बनाएं बच्चों के साथ, बच्चे इजीली इसको बना सकते हैं आपकी सुपरविजन में। तो आप लोग जब तक जाके इसकी तैयारी कर लें और जल्दी जल्दी आप लोग भी ये वाला केक जरूर बनाएं, बहुत मजे का बनता है, बहुत ज्यादा इजी है और कोई मुश्किल नहीं है। हर चीज आपके घर से ही मिलती है, हमने कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल्स यूज नहीं किए, ना ही कोई इसके अंदर मुश्किल इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं। तो जाएं जल्दी से बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तब तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमारी हर आने वाली वीडियो को जरूर देखें। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।